गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। घुलना और मिलना ये एक प्रक्रिया है जो कभी अकेले से नहीं होती है। दो सत्ताएं उसमें मिलकर के काम करती हैं, दोनों में गुण होते हैं और गुणों में समानता भी होती है। एक के गुण दूसरे में, दूसरे के गुण पहले में मिलते हैं, ये मिलन की प्रक्रिया है। ये पदार्थों के मिलन की प्रक्रिया है। मिलते हैं तो दोनों में एकाकार होता है, समानता पैदा होती है। एक के गुण दूसरे में, दूसरे के गुण पहले में मिलकर के अपनी पहचान को मिटा देते हैं। वो अपनी पहचान उसको दे देता है और वो अपनी पहचान उसको दे देता है, तभी मिलन की प्रक्रिया। स्वार्थ हमेशा एक तरफा होता है जिसमें व्यक्ति अपने आप को दिखता है। अपने आप को देखने के कारण उसमें मिलन की प्रक्रिया नहीं होती, इसलिए उसमें बंधन होता है। उस मिलन की प्रक्रिया के अंदर बंधन होता है। स्वार्थ उद्देश्य या अभाव की पूर्ति के लिए काम करने के लिए संसार का आश्रय लेना पड़ता है इस जीव को, और ये आश्रय ही उसे कारावास बना देता है। आश्रय लेता है अपने आपको खड़ा करने के लिए, मजबूत करने के लिए। परंतु यही उसकी कमजोरी बनता है। जहां उसे बंधन है वहां प्रावलंबन भी है, जिसके परिणाम स्वरूप जिसका जो फल निकल करके आता है वो एक ही है। पूरी जिंदगी का जिया गया जीवन वृथा चला जाता है, जो इतनी मेहनत की वो सब बेकार चली जाती हैं। शरीर रहते ही केवल उनका उपयोग आप कर सकते हैं, परंतु शरीर के हटते के साथ ही उनका कोई उपयोग नहीं रह जाता। परेशानी, कष्ट, मुसीबतें भी शरीर के रहते साथ चलती रहती हैं। आत्मा को भी कोई लाभ नहीं सदता है, और जो संसार का आनंद है उससे भी व्यक्ति परे रहता है। चेतना में आलस्य, अकर्मण्यता, कर्म का त्याग, ये आकर के प्रवेश कर जाता है। व्यक्ति के जीवन में अवरोध, कामों का ना बनना, अवरोध आकर के खड़े हो जाते हैं, जो उसकी चेतना को गति नहीं करने देते। शून्य के अलावा कुछ नहीं हो सकता। शून्य माने अपनी चेतना को निष्क्रिय करना। ये विश्व का नियम है और विश्व में आप रह रहे हैं। विश्व के प्रवाह के विरुद्ध चलना बहुत आसान नहीं है।
विश्व का जो मूल आधार है वो क्रिया है। सारा विश्व क्रियाशीलता पर टिका है। सूर्य से लगाकर ग्रह नक्षत्र, जमीन पर रहने वाले जीव प्राणी, सबका संतुलन केवल एक ही चीज पर बनता है, क्रिया। जिसमें सबकी उन्नति हो, जिसके द्वारा सबको जीवन धारण करने, जीवन की प्रगति करने और अंत में सबका प्रयाण हो, ऐसी परमार्थ परक वृत्ति हमारी चेतना में से निकल करके आए, उसे जानने का प्रयास करो। अगर वो तुम उसे जान गए तो वो ही ब्रह्म है। अर्थात ऐसा सुना है कि ईश्वर परम शक्ति, उसकी विविध शक्ति, ज्ञान क्रिया या क्रिया बल, ये सब स्वाभाविक है। आदमी जो सहज काम करता है वो स्वाभाविक है, जो बनावटी कर्म करता है, दोनों के भेद को समझ लें, जो बनावटी कर्म करता है उसमें व्यक्ति को दिखावा करना होता है। सच्चाई को जानिए। सहज स्वाभाविक की पहचान अलग होती है और बनावटी की पहचान अपने आप पहचाना जाता है। जो बनावटी है उसमें कर्मण्यता नहीं है, उसमें मात्र दिखावा है। अब आप सच को पहचानिए कि हम अपने जीवन का कितना भाग केवल दिखावे के लिए जीते हैं, बनावट के लिए जीते हैं, या अपने मानसिक विकारों की पूर्ति के लिए जीते हैं। इस तरह क्रियाशील तत्व को अकर्मण्यता के द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। सहज स्वाभाविक जो रास्ता है, अभी मैंने कहा ब्रह्म तक पहुंचना है, तो वो जो दोनों के बीच में क्रियाशीलता है उस क्रियाशीलता को पहचानना होगा। आपकी चेतना में दुष्ट या राक्षस या ब्रह्म देवता कोई तो बोल रहा होगा, बस हमें उसको पहचानना होगा। अपने आप पहचान ये हो जाएगी, जो अभी आपसे कहा, जिसमें जीव प्राणियों को सहज जीवन जीने की प्रेरणा मिलती हो वो ब्रह्म है। और जो किसी के जीवन को बिगाड़ता हो, मैं फिर से पूछ रहा हूं, अच्छाइयों को सिखाने के लिए तो बहुत से स्कूल कर चल रहे हैं, मां बाप से लगा करके सरकार तक पूरे जोर लगा रही है कि सब अच्छे हों, परंतु संसार में बुराई का कहीं कोई स्कूल नहीं चलता है, क्योंकि बुराइयां 84 लाख योनियों की यात्रा में जीव को लगती रही, जिनके सारे जीव अपने जीवन को जीता रहा,
इस जन्म को पाकर के उन विकारों को मिटाना है, जो इस जन्म के लिए सहज स्वीकार्य नहीं है। अर्थात मैं क्या कहना चाहता हूं, अपने जीवन को सहज बनाना है, उसमें किसी तरह की दिखावट और बनावट ना रह जाए, उस कर्म का कोई लाभ नहीं है जिसमें सहज स्वाभाविक क्रियाशीलता ना हो। ईश्वर तुम्हारा सहज गुण है, अगर उसका संयोग उस ब्रह्म शक्ति के साथ हो जाए, जीव सत्ता और ब्रह्म सत्ता दोनों आपस में मिल जाएं, आनंद मुक्ति कर्म का अनन्य संयोग आपके जीवन के अंदर सक्रिय रूप से सहज रूप से क्रियाशील हो जाएगा। कर्म के अभाव में आनंद और आनंद के अभाव में कर्म का अस्तित्व नहीं रह जाता। साफ जान लीजिए, आनंद के अभाव में कर्म का और कर्म के अभाव में आनंद का कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। अच्छा मैं पूछता हूं, एक भाई बहन बहुत आपस में प्यार करते हैं, बहन अपने भाई को कोई अभाव नहीं होने देती, उसी तरह से भाई भी अपनी बहन को कोई अभाव नहीं होने देता। अपनी बहन की सहायता करते हुए और अपने भाई की सहायता करते हुए दोनों को आत्मिक शांति और आनंद के द्वारा आत्मिक शांति की प्राप्ति होगी। ये कर्म की सहज, दोनों के बीच में जो अटैचमेंट है, लगाव है, वो सहज और स्वाभाविक है, उसमें कोई बनावट नहीं है। दोनों एक दूसरे को दुखी देख ही नहीं सकते। और याद रखना, दुख को मिटा करके व्यक्ति को इतना बड़ा गर्व महसूस होता है, जैसे मैंने कितना बड़ा कार्य कर दिया, अंदर से वो गौरवान्वित होता है। एक भाई अपनी बहन की और एक बहन अपने भाई की सहायता करके, ईमानदारी से सहायता करके, सहज स्वभाव से सहायता करके जो गौरवान्वित होते हैं, उन्हें वो आनंद कहीं नहीं मिलता। संसार का अस्तित्व, मैं क्या कहना चाहता हूं, संसार का अस्तित्व तभी ही है जब उसमें सहज और स्वाभाविक गति हो और उस गति में आनंद हो, तो ये संसार की सहज स्वाभाविक स्थिति है, वरना संसार का अस्तित्व भी मिट जाएगा। और संसार को क्रियाशील करने की अगर शक्ति है तो वो आनंद है। वो आनंद है। कल गंगा विहार में रमेश शर्मा के यहां पीड़ा निवारण के लिए कार्यक्रम किया गया। कार्यक्रम 2 बजे पूरा हो गया। सात बजे तक वहीं रहे, 5 घंटे उसके बाद वहीं रहे। जो सुख जो आनंद उनके बीच में रह करके उनको भी और हमको भी मिल रहा था, वो धरती पर कहीं नहीं था। 5 घंटे कैसे निकल गए पता नहीं लगा। छोटे छोटे बच्चों से लगाकर बुजुर्ग और महिलाओं ने सबने घेर करके रखा। जो मेरे साथ थे, आप उनसे पूछ सकते हैं,
शायद प्रोग्राम से इतना बड़ा परिवर्तन ना आया हो, जितना बड़ा परिवर्तन उस सहज क्रियाशीलता से जो स्वाभाविक थी, क्योंकि वो दोनों तरफ थी। उससे लाभ मिला। हाँ बेटा, ये सौभाग्य तुम्हारा ही नहीं, हमारा भी है, सबका है, हम सबका है। कल आप देखिए बेटा, रमेश लाइन पर है, सामने है आपका। जो कल का दिन गुजरा, मैंने कल बिटिया से कहा भी था, ललिता से, बहुत दिन में ये अवसर आया है, फायदा उठाओ, फायदा उठाओ। और फायदा उठाया गया। यही संसार की, आत्मा की, चेतना की क्रियाशीलता है। सहज लगाव, सहज क्रियाशीलता, अपनापन, प्रेम पैदा हुआ। गुप्ता जी लिख रहे हैं, आवेश दूर हुआ या नहीं हुआ? जितने तनाव थे वो दूर हुए या नहीं हुए? ये जीवन की सहज प्रक्रिया है। अगर ये कारवां बन जाए, जितनों के यहां अभी प्रोग्राम किए गए हैं, कहीं वो प्रोग्राम करा करके चुप जैसे पहले थे वैसे तो नहीं बैठ गए हैं? जिम्मेदार खुद होंगे, जिम्मेदार खुद होंगे। स्थिति फिर वहीं पहुंच जाएगी, सहजता नहीं रह जाएगी, चालाकी, धोखा पैदा हो जाएगा। और याद रखना, धोखा कोई किसी को नहीं दे सकता, ये भगवान की दुनिया है, जो दे रहा वो खुद ही धोखा खाएगा। एकाकार, एकाकार, एकात्मकता, एकात्मकता वो पैदा हो जाए। हाँ बेटा, माहौल बदल गया। हाँ बेटा, यही मैं भी कह रहा हूं, इसको मत खोना, यही एकात्मकता है। सतत क्रियाशील रहना, इसी माहौल में सतत क्रियाशील रहना, वातावरण बन जाएगा। वातावरण में घटनाएं पैदा होती हैं, परिस्थिति आएंगी, पाप मिटेंगे। बेटा दुख देख चुके हो, अब आनंद देखने का समय आया है। इसलिए अपनी सहज उस प्रक्रिया को जागृत करो अपने अंदर से। तुम्हारा अपना आपा ही हर जगह तुम्हारे काम आएगा। इसलिए ये सहज प्रक्रिया है, इसको जागृत करो। मैं उनको दोबारा से बोल रहा हूं, जिन जिन के घरों में ये प्रोग्राम किया गया है, वो एकांकी ना पड़े, नहीं तो स्वार्थी कहलाएंगे और अभाव दूर नहीं हो सकेंगे। आदमी जो ये सब करता है अपने अभाव और अपने स्वार्थ के द्वारा, अपने अभावों को मिटाने के लिए करता, नहीं मिटेंगे। अगर मिटाना है तो सहयोग, मिटाना है तो सहयोग, उसी में सहज। किसमें? कर्म में त्याग, कर्म में त्याग। अगर ये आ जाए तो आनंद की प्राप्ति हो जाए। और एक बार मिल गया फिर तो बार बार पाने का मन होगा, बार बार पाने का मन होगा। ये कैसी चीज है,
अगर सहजता आ गई तो निरंतर मिलेगा आनंद, प्रफुल्लित हर वक्त रहोगे जीवन में, कभी तनाव और आवेश नहीं रहेगा। ये हमारे ओढ़े हुए हैं, ये हमारे पैदा किए हुए हैं जिनको हम झेल रहे हैं। आनंद के स्वरूप को प्राप्त हो जाइए, जीवन सार्थक हो जाएगा, व्यर्थता मिट जाएगी। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, आप ऐसा करें, आप ऐसा करें। अब ध्यान की तरफ को चलना है। सविता, अग्नि, ऊर्जा, ब्रह्म शक्ति, सविता ब्रह्म, सविता वर्चस्व, ब्रह्मवर्चस्व सविता, सविता उपास्य, ब्रह्मवर्चस्व उपास्य, एकत्व अद्वैत, साधक का सविता को समर्पण, समर्पण विसर्जन विलय, साधक सविता एक, भक्त भगवान एक, एकत्व अद्वैत, कुंडलिनी जागरण, कुंडलिनी जीवनी शक्ति, कुंडलिनी अंतः ऊर्जा, कुंडलिनी प्राण विद्युत, कुंडलिनी योगाग्नि, कुंडलिनी ब्रह्म ज्योति, सविता शक्ति का कुंडलिनी क्षेत्र में प्रवेश, मूलाधार क्षेत्र में प्रवेश सविता का, प्रथम चरण कुंडलिनी जागरण का, प्रथम चरण मंथन, मंथन सविता सहयोग से शक्ति क्षेत्र का मंथन, मूलाधार मंथन, समुद्र मंथन, जीवन मंथन, प्राण मंथन, अग्नि मंथन, मंथन मंथन मंथन, मंथन
मंथन से अंत ऊर्जा का संवर्धन, अग्निशिखा प्रज्वलन, जीवन ज्योत जागरण, द्वितीय चरण ऊर्ध्वगमन, ऊर्ध्वगमन सविता सहयोग से जागृत शक्ति का ऊर्ध्वगमन, आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मूलाधार मार्ग से सहस्रार तक कुंडलिनी का ऊर्ध्वगमन, मेरुदंड मार्ग से आत्मसत्ता का ऊर्ध्वगमन, भूलोक से ब्रह्मलोक तक देवयान मार्ग, मूलाधार भूलोक, सहस्रार ब्रह्मलोक, मेरुदंड देवयान, कुंडलिनी आत्मशक्ति, जीवनी शक्ति का ऊर्ध्वगमन, उत्थान उत्कर्ष अभ्युदय, ऊर्ध्वगमन, कुंडलिनी जागरण, तृतीय चरण वेधन शोधन जागरण, सविता सहयोग से षट चक्रों का वेधन, मेरुदंड मार्ग के षट चक्रों का वेधन, प्राण विद्युत से शक्ति स्रोतों का उत्खनन, चक्र वेद, शब्द वेद, लक्ष्य वेद, वेधन शोधन जागरण, षट चक्रों का जागरण, मूलाधार चक्र जागरण, स्वाधिष्ठान चक्र जागरण,
सूर्य चक्र जागरण। अनाहत चक्र जागरण। विशुद्ध चक्र जागरण। अज्ञा चक्र जागरण। षटचक्र जागरण। कुंडलिनी जागरण। चतुर्थ चरण। विस्तरण। सविता सहयोग से योग अग्नि का विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में विस्तार। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में विस्तार। ब्रह्म सत्ता में विस्तार। चिंगारी का दावानल में विस्तार। ज्वाला में विस्तार। मूलाधार का आत्मसत्ता में। आत्मसत्ता का विश्व सत्ता में। ब्रह्म सत्ता में। चिंगारी का दावानल में। ज्योति का ज्वाला में विस्तार। विस्तरण। जागरण। कुंडलिनी जागरण। पंचम चरण कुंडलिनी का परिवर्तन। मूलाधार का सहस्रार में परिवर्तन। साधक का सविता में परिवर्तन। आत्मज्योति का ब्रह्म ज्योति में परिवर्तन। का महानता में परिवर्तन।
कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, मूलाधार का शास्त्रार में, साधक का सविता में, क्षुद्रता का महानता में, कामना का भावना में परिवर्तन, वियोग का संयोग में परिवर्तन, नर का नारायण में परिवर्तन, परिवर्तन संवर्धन जागरण कुंडलिनी जागरण। बंधन ईश्वर दर्शन, कुंडलिनी जागरण, जीवनी शक्ति जागरण, अंत ऊर्जा जागरण, प्राण विद्युत जागरण, योगाग्नि जागरण, ब्रह्मज्योति जागरण, कुंडलिनी जागरण, महान जागरण, आत्म जागरण, सोमा ज्योतिर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, तमसो मा ज्योतिर्गमया, असतो मा सद्गमया, असतो मा सद्गमया, सतो मा सद्गमय। ॐ मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, मृत्योर्मा मृतंगमय, तमसो मा, तमसो मा, तमसो मा ज्योतिर्गमय, 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 तमसो मा ज्योतिर्गमय। पंचोंकार, पंच कुंडली जागरण के पांच चरण, पंचोंकार।
दोनों हाथ मलिए, मुखमंडल पर फिराइए और सब आसन कर लीजिए।